आजमगढ़ से बड़ी खबर, सीएए एनआरसी एनपीआर के विरोध और निर्दोषों पर दर्ज किए गए मुकदमे को वापस लेने के लिए आजमगढ़ शहर के कर्बला मैदान में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सपा बसपा पीस पार्टी व अन्य पार्टियों के लोग व छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस प्रदर्शन में लोगों के हाथ में तख्तियाँ थी जिसमें अलग अलग तरह के स्लोगन लिखे दिखाई दे रहे थे, तो वहीं बलिदान का नारा आजमगढ़ जैसे अलग अलग नारों से गूंज उठा कर्बला मैदान। दूसरी तरफ शांति तरीके से सीएए एनपीआर का लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की थी। प्रदर्शन स्थल के आसपास के क्षेत्र को दो जोन और सेक्टर में बांटा गया, पीएससी की टुकड़ियों को लगाया गया। वहीं सिवली नेशनल इंटर पीजी कॉलेज की छात्रा ने बताया कि संविधान में किसी भी तरह से जाति धर्म के नाम पर कोई भी एक्ट नहीं बना सकते हैं, ये सरासर गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवार। बहुत क्लियर कट कहा था कि ए लोगों, ए मेरे समाज के लोगों, मैंने बड़ी मुश्किल से काफिला यहाँ तक ले आया हूँ। हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात करेंगे तो तुम अपनी जान दे देना, लेकिन कभी हिंदू राष्ट्र बनने मत देना। जिस दिन ये बनेगा, जिस दिन ये बने, सिर्फ धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, बिरादरी के नाम पे पूरे देश को बांटने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतागण, हमारे नौजवान साथियों, माताओं एवं बहनों, मैं आज सबसे पहले आप लोगों को इस क्रांतिकारी मैदान में क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। कॉलेज की छात्रा अल्फे शहर हूँ। आप लोग यहाँ आई हुई हैं, क्या यहाँ पे क्या कार्यक्रम और क्या संदेश रहेगा? मैं आपको बता दूं कि मैं जो स्टूडेंट हूँ वो ऑलरेडी लॉ की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे जहाँ तक मैंने भारतीय संविधान जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है, तो भारत में के संविधान में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप जातिवाद या धर्मवाद पे आप जाति या नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये आप भारतीय संविधान के खिलाफ ही काम कर रहे हो, और ये प्रोटेस्ट जो हमारा है, जो पूरी शिवली कॉलेज की छात्राएं हैं, जो आजमगढ़ की छात्राएं हैं, महिलाएं हैं, जो वोमेन है, जो भारत की पूरी जनता की तरह एक आजमगढ़ बहुत नामी ग्रामीण, ये क्रांतिकारी जिला माना जाता है, इस जिले का कहना ही ये है कि हाँ, हम इस एनआरसी सीएए के खिलाफ ये आंदोलन करते हैं, और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सीएए और एनआरसी को वापस नहीं लिया जाता। आज यहाँ पे सर्वदलीय प्रदर्शन किया जा रहा है सीए के विरोध में, क्या कहना चाहेंगे? ये सर्वदलीय ही नहीं है, ये आजमगढ़ की पूरी जनता का यह धरना है, और आजमगढ़ ये बताना चाहता है कि ये धरती साहित्यकारों की, लेखकों की और गंगा जमुनी तहजीब की धरती है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग एक साथ रहते हैं। यह राम प्रसाद बिस्मिल की यह साझा संस्कृति है कि आज देश एकता एक एक साथ है। इस नाते ये जो सीए है, एनआरसी है और चाहे एनपीआर है, इसका सभी दल के लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके विरोध कर रहे हैं, जनता विरोध कर रही है, और इसको भारतीय जनता पार्टी को तुरंत वापस ले लेना चाहिए। आज का जो ये विरोध प्रदर्शन है, ये जो सिया कानून दस्तूर के खिलाफ बना है सीएए, उसको वापस लेने का मुतालबा करने के लिए पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको निरस्त कर देता है तो ठीक है, वरना ये प्रदर्शन ख़त्म होने वाला नहीं। सरकार का जो मंसूबा है एनआरसी का, और एनआरसी ला करके यहाँ माइनॉरिटीज़ को, दलितों को, अति पिछड़ों को वो वोट के राइट से वंचित करना चाहते हैं, हम इसे होने नहीं देंगे। ये सांप्रदायिकता की जो सियासत है उसको हम नाकाम करेंगे, और आखिर तक इसका हम मुकाबला करेंगे। हम बाइकाट करेंगे एनआरसी का भी और एनपीआर का भी। इसके तहत जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को हम संदेश देना चाहते हैं कि अपनी एकता बनाए रखें, शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट जारी रखें। ये तानाशाही सरकार है, आसानी से बात नहीं मानेगी, लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहें, हर तरह की कुर्बानी इसके लिए हमें देनी पड़ेगी।